Now, question number second. Given below is the information about number of students who use different medium to come to school. यहाँ पर information दी है किसके बारे में? Students के बारे में जो अलग अलग medium से school आते हैं. Means कुछ बच्चे car से आते हैं, कुछ bike से, कुछ cycle से, कुछ bus से और कुछ walking, मतलब पैदल. तो आपको इस information को pictograph बनाकर show करना है. अब यहाँ देखिए इसमें कैसे नंबर्स दिए हैं, 70, 90, 120. तो ये तो बहुत बड़े नंबर हैं. अगर आप ऐसे पिक्चर्स बनाएंगे तो आपको 70 पिक्चर्स बनानी पड़ेगी. तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट है, पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ डिफरेंट मीडियम्स. ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं और ये मीडियम्स हैं. उन्होंने कौन कौन से मीडियम यूज़ किए थे? कार से, बाइक से, साइकिल से, बस से और वॉकिंग से. अब देखिए कार से कितने स्टूडेंट आए थे? 70. अब आप 70 तो बना नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, वन सर्कल स्टैंड फॉर 20 स्टूडेंट्स. इसका मतलब है एक सर्कल इक्वल है 20 स्टूडेंट के. मतलब आपने एक सर्कल बना लिया तो मतलब 20 स्टूडेंट्स हो गए. दो सर्कल बनाए तो 20, 20, 40. तो आपको ऐसे ही मानना है, वन सर्कल इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स. तो 70 के लिए आपको कितने बनाने पड़ेंगे? वन सर्कल मीन्स 20, टू मीन्स 40, थ्री मीन्स 60. अब ये 60 हो गए. अब आपको 60 के बाद 70 मतलब 10 चाहिए. तो 20 मतलब होता है 1, तो 10 मीन्स क्या होगा, हाफ. 10 के लिए आपको हाफ सर्कल बनाना पड़ेगा. ये हो गया 20, 20, 20 और ये 10. 20, 20, 40, 40, 20, 60 एंड 10, 70. तो कार से आते हैं 70 स्टूडेंट, ये बन गए हमारे 70 स्टूडेंट. मैंने यहाँ पे सर्कल लिया हुआ है, आप इसकी जगह कोई और भी शेप ले सकते हैं या आपको जो भी चाहिए आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं आप. बाइक, अब बाइक को कितने, बाइक से कितने आते हैं? 90. तो 90 के लिए वन सर्कल बनाए मीन्स 20, 40, 60, 80 और ये हाफ मीन्स 90. हाफ मीन्स है 10. तो ये 20, 40, 60, 80 और ये 90. साइकिल से कितने आते हैं? 120. सो स्टार्ट करेंगे 20 की टेबल, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120. नेक्स्ट बस, बस से कितने आते हैं? 50. 50 के लिए 20, 40 और ये हाफ बनाया, हाफ मीन्स 10. तो ये हो गया 50. 20, 20 और ये 10 मीन्स 50. वॉकिंग से कितने आते हैं? वॉकिंग से आते हैं 190. बना दिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 10 मीन्स 190. ओके, वन सर्कल इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन द जू. यहाँ पर डिफरेंट एनिमल दिए हैं और एनिमल्स कितने हैं जू में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब इस इंफॉर्मेशन को आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करना है. जू में मंकीज कितने हैं? 10. टाइगर कितने हैं? 6. बियर 7. एलिफेंट 5 एंड कैमल 4. तो अब आप इसको कैसे शो करेंगे पिक्टोग्राफ पर? ये नंबर्स छोटे ही हैं तो आप 1 को 1 मान सकते हैं. यहाँ लिख दिया पहले नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल इन द जू. ये एनिमल्स दिए हैं, मंकी, टाइगर, बियर, एलिफेंट, कैमल. और यहाँ पे नंबर शो करने हैं. नंबर्स को मैं स्टार बना के शो कर रही हूँ. आप चाहें तो कोई और पिक्चर भी ले सकते हैं. फर्स्ट मंकी, मंकी कितने हैं? 10. तो मैंने 10 स्टार बना लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्योंकि 1 स्टार मीन्स 1 मंकी, 2 स्टार मीन्स 2 मंकी, ऐसे करके 10 स्टार बन गए. टाइगर कितने हैं? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बियर कितने हैं? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एलिफेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैमल 1, 2, 3, 4. यहाँ पर ये ज़रूर लिखना है आपको कि वन स्टार स्टैंड फॉर वन एनिमल. वन स्टार मतलब है वन एनिमल.
अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस. यहाँ पे क्लास दी हुई है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ, और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के नंबर दिए हैं. क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट हैं? 50, सेकेंड में 40, थर्ड में 45, फोर्थ में 30 एंड फिफ्थ में 35. अब इस इंफॉर्मेशन को आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करना है. यहाँ देखिए, ये सारे नंबर्स ऐसे दिए हैं जो 5 की टेबल में आते हैं. 5 टेन ज़ा 50, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45. तो हम 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट मानेंगे. देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं. क्लास कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यहाँ हमने लिख लिया 1 स्माइली स्टैंड फॉर 5 स्टूडेंट्स, मतलब एक स्माइली का मतलब है 5 स्टूडेंट. तो हमें फर्स्ट क्लास में कितनी चाहिए? 50. तो 50 के लिए ये बना ली 1 स्माइली, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ये हो गई 10 स्माइली, मतलब 50. सेकेंड में कितने हैं? 40. 5 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. थर्ड में है 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. फोर्थ में है आपके 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. और फिफ्थ में कितने हैं? 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. यहाँ हमने 5 की टेबल क्यों पढ़ी? क्योंकि हमने 1 स्माइली माना था 5 स्टूडेंट्स. ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट. आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं प्रॉपर हैंडराइटिंग में, क्योंकि ये नोटबुक स्कूल में मंगवाई जाएगी चेकिंग के लिए, और इस नोटबुक के 10 मार्क्स हैं. तो आपको प्रॉपर राइटिंग में और पूरा कंप्लीट नोट करना है. ओके.